Hello children, welcome to the online classes. Today's topic is What's in the mailbox? Unit 8 of class 3rd and page number is 77. So, let's start with a lesson. Have you ever seen a postman? Now let's see what does a postman do. He is walking through the village to collect the letters. He is riding on the bicycle from one place to another to collect the mail from the mailbox. What is this in the red color? It is the mailbox, letterbox. जहाँ पे लोग चिट्ठी डालकर इसमें डालते थे. They write a letter and put this in the mailbox. How to send a mail? और मेल को कैसे भेजते हैं? This is the envelope. We write a letter and put the letter in this envelope. When we write a letter, we put the letter in the envelope. After putting the letter in the envelope, we have to write the address. We write the address to the sender. जिसको हमने लेटर लिखी होती है उसको हम उसका एड्रेस हम एनवलोप के ऊपर लिखते हैं और उसको भेजते हैं. और जो लेटर भेजता है उसका एड्रेस हम वहाँ ऊपर लिखते हैं ताकि सेंडर का एड्रेस भी पता होना चाहिए. आफ्टर राइटिंग द एड्रेस ऑफ द पर्सन वी आर सेंडिंग द लेटर एंड फ्रॉम द पर्सन इट इज सेंट बाय we have to put the stamp on the envelope and this is the stamp. Then we put the letter in the mail box. अब letter complete हो गया, stamping होगी. अब हम उसको कहाँ पे डाल रहे हैं? Mail box में. जहाँ पे letter box जिसको बोलते हैं इसके अंदर ये डाल रहे हैं और ये letter डालकर व्यक्ति के पास पहुँच जाती है. Letter post होने के बाद वो कलेक्ट होती है और ये मेल वैन है. इसमें लेटर्स जाती हैं और दूर दूर शहर में पहुंचती है. ये लेटर्स लेके मेल वैन जा रही है जहाँ जहाँ सबकी लेटर्स पहुंचानी है. अब ये क्या हो गया, वो कलेक्ट कर रहे हैं और उसको मेल में डालते जा रहे हैं. कलेक्शन ऑफ द लेटर्स इन द बिग सैक. अब ये क्या है, मेल बॉक्स से निकाली और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया. नाउ लेट्स रीड दिस पोएम. व्हाट्स इन द मेल बॉक्स, क्या मतलब हुआ उसका कि मेल बॉक्स में क्या है. फर्स्ट वी विल रीड दिस पोएम एंड यू विल लिसन टू मी वेरी केयरफुली. मोस्ट ऑलवेज व्हेन द पोस्टमैन कम्स विथ लेटर्स 2 or 3 दे आर फॉर माय मदर or my dad, but never one for me. I'm going to write some letters, though that's what I'm going to do. And then my friends will answer me and I'll get letters too. Let's read this poem again. Most always when the postman comes with letters 2 or 3, they are for my mother or my dad, but never one for me. I'm going to write some letters, though that's what I'm going to do. And then my friends will answer me and I'll get letters too. This poem is about a girl who is sitting and thinking. कि जब भी letters आती हैं, वो किसके लिए आती हैं? उसकी मम्मी और पापा के लिए, और उसके लिए कभी भी नहीं आती है.
अब उसको लेटर आए, उसके लिए वो क्या करना चाहती है कि वो अपने आप लेटर लिखेगी और अपनी फ्रेंड्स को भेजेगी और फ्रेंड्स उसके लेटर का आंसर करेंगे। आपने कभी लेटर लिखी है? आपने कभी किसी को भेजी है? अगर जो नहीं भेजी है तो आप भी एक बार लिखकर अपने फ्रेंड्स को ज़रूर भेजें। अब हम इस पोएम को दोबारा से पढ़ेंगे और वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करेंगे। मोस्ट ऑलवेज व्हेन द पोस्टमैन कम, जब भी पोस्टमैन कौन होता है? डाकिया, जो लेटर लेकर, जो चिट्ठी लेकर घर घर जाता है, उसको बोलते हैं पोस्टमैन। आता है विथ लेटर्स टू और थ्री, लेटर्स होता है चिट्ठी, दो या तीन। जब भी पोस्टमैन आता है उसके पास कितनी चिट्ठियाँ आती? दो या तीन होती हैं। दे आर फॉर माई मदर और माई डैड, वो जो चिट्ठियाँ होती हैं वो किसके लिए होती है? मदर के लिए, माँ के लिए और डैड के लिए। डैड कौन होते हैं? फादर। बट नेवर वन फॉर मी, और वो भी कोई जो चिट्ठी होती कभी मेरे लिए नहीं लाता। किसके लिए नहीं आता? ये जो छोटी सी लड़कियाँ सोच कर बैठ रही है, इसके लिए कभी चिट्ठी नहीं आती है। आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स, वो सोचती है कि अब मैं लिखूँगी। आई विल राइट सम लेटर्स, वो कह रही है कि मैं अब खुद लिखूँगी लेटर्स। दो दैट्स वॉट आई एम गोइंग टू डू, अब वो ये करेगी कि अपने आप चिट्ठी लिखेगी। एंड देन माई फ्रेंड्स विल आंसर मी, जब वो चिट्ठियाँ लिखेगी किसको लिखना चाहेगी? वो अपने फ्रेंड्स को। और जब फ्रेंड्स को लेटर लिखेगी तो फ्रेंड्स विल आंसर मी, और जो उसके दोस्त हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, वो उसको आंसर करेंगे। आंसर मतलब चिट्ठी का जवाब देना। एंड आई विल गेट लेटर्स टू, और जब उसके आंसर करके वो भेजेंगे, पोस्टमैन के थ्रू आएगी और वो चिट्ठी किसको मिलेगी? इस प्यारी सी लड़की को। न्यू वर्ड्स, लेटर्स। लेटर्स क्या होता है? चिट्ठी। लेटर्स क्या होता है? चिट्ठी लिखना। ऑलवेज, हमेशा। नेवर, कभी नहीं। दो, परंतु, मगर, कुछ भी हो सकता है इसका मीनिंग। अब हम क्या करेंगे, इन वर्ड्स को भी अपनी नोटबुक में लिखेंगे और साथ में इनका मीनिंग भी लिखेंगे। इस पोएम में हमें राइमिंग वर्ड्स देखने हैं। आपको राइमिंग वर्ड्स नज़र आ रहे हैं? सेकेंड पैराग्राफ में कहीं we have got a rhyming word here, do and two, और हमें कहीं पे कोई rhyming word नहीं मिला, तो ये हमारे पास rhyming words हो गए। अब उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें never का opposite क्या होता है। never का opposite देखेंगे। never का opposite क्या होगा? never का opposite क्या है? always। never always, I will always receive a letter, I will never receive a letter। अब mother का क्या हो सकता है? यहाँ पे dad दिया है, हमारा क्या हो सकता है? father, father, mother। इसमें आपका जब हम बात करें कि हमें plurals कौन कौन से, बहुवचन वाले words कौन कौन से हैं, हमारे पास letters, letter, लेटर्स। और क्या हो सकता है? फ्रेंड, फ्रेंड्स। कुछ 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 वर्ड्स हम अपने आप ही ढूंढने की कोशिश करेंगे इसमें। आई होप यू एंजॉयड रीडिंग द पोएम एंड लर्निंग द न्यू वर्ड्स एंड लर्निंग अबाउट द पोस्टमैन एंड हिज सर्विसेज। नाउ यू विल वॉच द वीडियो अगेन एंड अटेम्प्ट योर वर्कशीट नीटली। Goodbye. Have a great day.